अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद हमारे चैनल सच्ची बातों में। आज हम बात करने वाले हैं नमाज वितर के बारे में, चंद अहादीस के बारे में जो सही बुखारी में दर्ज है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सच्ची बातों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली अगली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हदीस नंबर एक, एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रात की नमाज के मुतालिक मालूम किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात की नमाज दो दो रकात है, फिर जब कोई सुबह हो जाने से डरे तो एक रकात पढ़ ले और उसकी सारी नमाज नमाज को ताक बना देगी। हदीस नंबर दो, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वितर की जब तीन रकातें पढ़ते तो दो रकात पढ़कर सलाम फेर लेते, यहाँ तक कि ज़रूरत से बात भी करते। हदीस नंबर तीन, आप एक रात अपनी खाला उम्मुल मोमिनीन मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा के यहाँ सोए। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं तकिए के अर्ज़ में लेट गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी बीवी लंबाई में लेटी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए, जब आधी रात गुजर गई और उसके लगभग, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए। नींद के असर को चेहरे मुबारक पर हाथ से फेरा और फेर कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर किया। आपके बाद आल इमरान की दस उसके बाद आल इमरान की 10 आयतें पढ़ी, फिर एक पुरानी मश्क पानी की भरी हुई लटक रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए और अच्छी तरह वजू किया और नमाज के लिए खड़े हो गए। मैंने भी ऐसा ही किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार से अपना दाहिना हाथ मेरे सर रख कर और मेरा कान पकड़ कर इसे मलने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो रकात नमाज पढ़ी, फिर दो रकात, सब 12 रकातें। एक रकात वितर पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए, यहाँ तक कि मौज़िन सुबह सादिक को इत्तला देने आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर खड़े होकर 2 रकात सुन्नत नमाज पढ़ी, फिर बाहर तशरीफ़ लाए और सुबह की नमाज पढ़ी। हदीस नंबर चार, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात की नमाज दो दो रकातें हैं और जब तुम ख़त्म करना चाहो तो एक रकात वित्र पढ़ ले जो सारी नमाज को ताक बना देगी। कासिम बिन मोहम्मद ने बयान किया है कि हमने बहुत सो को 3 रकात वित्र पढ़ते भी पाया है और 3 या 1 रकात वित्र सब जायज़ और मुझे उम्मीद है कि इसमें के किसी में कोई कबाहत ना होगी। हदीस नंबर पाँच, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकातें वित्र और तहज्जुद पढ़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही नमाज थी, मुराद इनकी रात की नमाज थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सजदा इन रकातों में इतना लंबा होता कि सर उठाने से पहले तुम में से कोई शख्स भी 50 आयतें पढ़ सकता। और फजर की नमाज फ़र्ज से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत 2 रकातें पढ़ते, इसके बाद ज़रा देर दाहिने पहलू लेटे रहते, यहाँ तक कि मौज़िन बुलाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता। हदीस नंबर छः, नमाज सुबह से पहले 2 रकातों के मुतालिक ए आपने आपका क्या ख्याल है? क्या मैं इनमें लंबी किरात कर सकता हूँ? उन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रात की नमाज तहज्जुद दो दो रकात करके पढ़ते थे, फिर एक रकात पढ़कर इनको ताक बना लेते, और सुबह की नमाज से पहले 2 रकातें सुन्नते फज्र तो इस तरह पढ़ते गोया अजान अकामत की आवाज़ आपके कानों में पड़ रही हो। हम्माद की इससे मुराद है कि आप जल्दी पढ़ लेते थे। हदीस नंबर सात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के हर हिस्से में भी वितर पढ़ी है और आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वितर सुबह के करीब पहुंचा। हदीस नंबर आठ,
आपने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते रहते और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर अर्ज़ में लेटी रहती। जब आप वित्र पढ़ने लगते तो मुझे भी जगा देते और मैं भी वित्र पढ़ लेती। हदीस नंबर 9। और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वित्र रात के तमाम नमाजों के बाद पढ़ा करो। तो ये थी वो चंद अहादीस जो सही बुखारी में वित्र के मुतालिक, नमाज़ वित्र के मुतालिक दर्ज हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगले वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।